हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वॉचिंग मी माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं वो लास्ट एग्जांपल इंपैक्ट ऑफ जेट का अंदर, जो कि है जेट प्रपोजल के ऊपर। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल दिख रहा होगा, उसको आप पढ़िए ध्यान से। क्या बोल रहा है? अ स्मॉल शिप ड्रिवन बाय रिएक्शन जेट, यानी जेट प्रपोजल का समूह डिस्चार्जिंग अस्टर्न। तो अस्टर्न का मतलब मैंने बताया हुआ है, स्टर्न का पार्ट होता है, सनस्टर्न का मतलब होता है शिप का पीछे वाला भाग, जिसको हम स्टर्न बोलते हैं। ठीक है, is estimated to have a relative velocity of 12 meter per second। तो ship की velocity देके रखे, relative velocity। ठीक है, so relative velocity याद कीजिए। जिन लोगों को jet propulsion का theory वाला video नहीं देखा वो पहले वो देख ले, otherwise ये numerical नहीं समझ में आएगा। तो आपको ये numerical समझना है तो jet propulsion का video देखना जरूरी है। so उसने relative velocity देके रखी है v plus u। याद करो ship की relative velocity हम क्या बोलते थे, v plus u, जो कि 12 meter per second उसने देके रखी हुई है। When moving at 30 किलोमीटर पर आवर, तो मूविंग एट 30 किलोमीटर यानी सिप की वेलोसिटी कैपिटल यू देके रखी है, वो की है 30 किलोमीटर पर आवर। सो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, जो कि आंसर आएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। सो यू इज गिवन। अब बाद में बोल रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10^-4 मीटर स्क्वायर। फिर वो बोल रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ शिप एंड प्रोपल्सिवर। रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ शिप, तो मैं आपको इस तरीके से समझो बच्चों, इस तरीके से आपकी कुछ शिप है, ये टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज टॉप व्यू लाइक दिस। तो आपकी जो शिप है वो आगे बढ़ रही है इस तरीके से। ठीक है, या शिप आपकी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कुछ नहीं, हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा फोर्स है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी हम जेट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, जेट का फोर्स बैच के सामने भेज रहे हैं। हमें पता है कि वो क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सो जो सामने जो जेट को हम भेज रहे हैं उसको वो रेजिस्टेंस बोल रहा है, इज इक्वल टू उतनी सामने वैल्यू हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स मिल रहा है। सो वो जब ये बोले तो उसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ शिप इज आस्किंग अबाउट द प्रोपल्सिव फोर्स, यानी इतना कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, So, याद रखिए इसका मतलब होता है प्रोपल्सिव फोर्स आपको फाइंड करने के लिए बोला है। सो इज आस्किंग अबाउट फाइंड द प्रोपल्सिव फोर्स। ठीक है, दूसरी चीज आपको बोल रहा है, इफ वॉटर एंटर्स थ्रू द ओरिफिस फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ शिप। तो आपको पहले यह देखना होता है कि एग्जाम्पल में कौन सा केस है। तो याद कीजिए थियरी में सेकेंड वाला केस आ गया, जब व्हेन वॉटर इज एंटरिंग इन फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, केस टू वाला आ गया जेट प्रोपल्शन में। ठीक है, फिर वो बोल रहा है दैट पंप इज 85% एफिशिएंट। सो पंप की मैकेनिकल एफिशिएंसी उसने देके रखी है 8.85, एंड द फ्रिक्शन लॉसेस इन द पाइप आर इक्विवेलेंट टू 3.6 मीटर ऑफ वाटर। फ्रिक्शन लॉसेस क्या होता है, तो आप क्या होता है कि पंप होता है, पंप है, उसके पास पाइप लगी होती है, वहां से आप वाटर सक करते हो, तो जो पाइप की जो हाइट की वजह से या जो भी होता है पाइप की वजह से कुछ फ्रिक्शन लॉसेस आता है, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से या पाइप और जो फ्लूड के बीच में मोशन हो रहा है उसके वजह से जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस आता है। तो फ्रिक्शन लॉसेस आपको कितना लेने के लिए किया है, वो बोला है 3.6 मीटर ऑफ वाटर हेड। सो यू हैव टू टेक द फ्रिक्शन लॉसेस इक्वल टू 3.6 मीटर ऑफ वाटर हेड, एंड देन ही सेज द कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्रोपल्शन। सो ओवरऑल एफिशिएंसी एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोपल्सिव फोर्स बोला है, तो प्रोपल्सिव फोर्स क्या होता है, याद कीजिए मास फ्लो रेट इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये हमें पता है कि आप, मैंने आपको थियोरी में समझाया हुआ है कि जब भी हम जेट प्रोपल्शन की बात करते हम फाइनल पहले लेते हैं और इनिशियल लास्ट में रहते थे। तो ये क्या होता है, मास फ्लो रेट होगा रो ए वी प्लस यू इनटू ब्रैकेट वी प्लस यू माइनस यू। सो देखिए डेंसिटी 1000 होती है, एरिया उसने देके रखा है, वी प्लस यू यानी रिलेटिव वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड उसने देके रखी है, यू का मतलब शिप की वेलोसिटी जो कि 8.33 मीटर पर सेकंड है। जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, जो आपका आएगा 1056.96 न्यूटन। सो दिस इज द प्रोपल्सिव फोर्स। अब उसने बोला है प्रोपल्सिव वर्क, सो फोर्स इनटू वेलोसिटी करो तो वर्क मिल जाएगा। सो फोर्स तो हमें पता है वेलोसिटी यानी किसकी वेलोसिटी, शिप की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.33, तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा जो आएगा वॉट में। अगर उसको मैं किलो वॉट में करूंगा सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, उसके बाद हमें बोला है पंप की एफिशिएंसी। देखो भाई इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, पंप की एफिशिएंसी फाइंड कीजिए। तो पंप की एफिशिएंसी हमें पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एफिशिएंसी ऑफ पंप इज इक्वल टू थियोरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप अपॉन एक्चुअल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। सो हमें सबसे पहले एफिशिएंसी उसने देके रखी है, पंप की एफिशिएंसी उसने 85%, तो ये तो हमारे पास है 0.85। अगर हम थियोरेटिकल पावर ढूंढ ले तो हमें एक्चुअल पावर मिल जाएगा, जो हमें उसने मांगा है कि एक्चुअल पावर फाइंड कीजिए टू ड्राइव द पंप। सो थियोरेटिकल पावर क्या होता है, तो आप ठीक से समझिए,
पंप का थियोरेटिकल पावर क्या होगा, तो पंप से मैं काम क्या करता हूं, तो पंप से मैं इनपुट लेता हूं, वाटर को सक करवाता हूं, फिर आउटपुट में क्या, मैं जेट के थ्रू भेजता हूं, तो मेरा आउटपुट क्या है, पंप का आउटपुट क्या है, जेट के काइनेटिक एनर्जी विच इज माय आउटपुट, ठीक है, तो वो आउटपुट होना चाहिए, प्लस कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस भी हो गए ना, तो मैं थियोरेटिकली कितना भेजूंगा पावर, मान लो कि मैं आउटपुट चाहिए 25 वोल्ट का, तो मैं 25 इनपुट नहीं भेजूंगा क्योंकि उसमें से कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस भी हो गए, 5 वोल्ट फ्रिक्शनल लॉसेस भी है, तो मैं 25 प्लस 5 करके इनपुट में 30 वोल्ट दूंगा, ठीक है, सो थियोरेटिकल पावर इज इक्वल टू क्या होगा, तो मुझे कितना आउटपुट चाहिए, आउटपुट से क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट प्लस उसमें मुझे क्या ऐड करके भेजना होगा, लॉसेस ऐड करके भेजना होगा, सो थियोरेटिकल पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट प्लस लॉसेस, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट याद कीजिए केस 2 के अंदर क्या हुआ करता था, थियोरी देखिए, 1/2 रो ए वी प्लस यू इनटू ब्रैकेट वी प्लस यू का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो 1/2 डेंसिटी है हमारे पास 1000, एरिया देके रखा है, v प्लस यू रिलेटिव वेलोसिटी देके रखी है, u की 8.33 मीटर पर सेकंड है, तो ये पूरा चीज है हमारे पास। अब देखिए उसने लॉसेस दिए के रखा है 3.6 मीटर ऑफ वाटर हेड, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा MgHF में, ठीक है, इसको हमें फ्रिक्शन हेड के फॉर्म में दिया है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने का लॉस के फॉर्म में, तो हो जाएगा MgHF, सो Mg यानी ये मास फ्लो रेट है, ठीक है, सो मास फ्लो रेट इनटू g इनटू HF, तो जी की वैल्यू मुझे पता है 9.8 होता है, HF 3.6 मीटर, मास फ्लो रेट कैसे ढूंढूंगा, तो रो ए इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, सो रो ए रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस यू, डेंसिटी 1000 है, एरिया देके रखा है, v प्लस यू उसने देके रखा है रिलेटिव वेलोसिटी जो कि 12 है, तो इसको आप सोल्व कीजिए तो इतना आपका किलो वॉट में आएगा, ठीक है, सो दिस आंसर विल बी इन किलो वॉट, तो इतना किलो वॉट आपका आंसर आना चाहिए। अब मुझे पता है पंप की एफिशिएंसी क्या हो गई, थियोरेटिकल पावर अपॉन एक्चुअल पावर, और पंप की एफिशिएंसी 0.85 मेरे पास है, थियोरेटिकल पावर मिल गया, एक्चुअल पावर को आप सब्जेक्ट बनाइए, सो दिस विल बी योर एक्चुअल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, इतना किलो वॉट आएगा, ठीक है। अब उसने लास्ट में मुझे ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी यानी क्या होता है, लास्ट वाला चीज अपन पहले वाला चीज, तो लास्ट वाला चीज क्या होता है, जो हमें काम मिलता है वो हमारा लास्ट आउटपुट होता है, लास्ट वाला चीज काम, तो आउटपुट क्या है हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वो किलोवाट के अंदर कितना है, 8.804 किलोवाट, क्योंकि ये किलोवाट में, तो इसको भी मुझे किलोवाट में लेना पड़ेगा, सो 8.804 किलोवाट डिवाइडेड बाय सबसे पहली वाली चीज, सबसे पहली वाली चीज, आप सबसे पहले वाली क्या देते हो, पंप को जो इनपुट देते हो पावर का, वो सबसे वाली चीज होती है, तो सबसे पहले वाली चीज क्या होती है, पावर रिक्वायर टू ड्राइव दी पंप विच इज 24.604 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका एफिशिएंसी ओवरऑल मिल जाएगा 35.78%, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व ऑल द एग्जांपल ऑफ जेट प्रोपल्शन। आई होप को वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।